वहीं धौलपुर में पंचायत चुनाव के बाद प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी, ये बड़ी खबर इस वक्त की। धौलपुर में पंचायत चुनाव के बाद प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की गई है। पंचायत चुनाव की कल होगी मतगणना। 30 अक्टूबर को प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव है। 31 अक्टूबर को उप जिला प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर, धौलपुर में पंचायत चुनाव के बाद प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की गई है। पंचायत चुनाव की कल मतगणना होनी है। वहीं 31 अक्टूबर को प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव होगा। 31 अक्टूबर को उप जिला प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव किया जाएगा। भानु शर्मा जी मीडिया संवाददाता जुड़ रहे हैं खबर पर जानकारी के साथ। भानु, बाड़ेबंदी की जा रही है अभी से, और साथ ही ये भी बताइए कहां रखा जा रहा है तमाम प्रत्याशियों को दोनों ही पार्टियों की तरफ से। जी बिल्कुल, बात करें बाड़ेबंदी की, बाड़ेबंदी जो प्रथम चरण का जो चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद से ही बाड़ेबंदी शुरू हो गई थी। बात करें तो जिले में तीन चरणों में चुनाव पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे, जिसके बाद 29 अक्टूबर को उनकी मतगणना हुई। उसके बाद से ही जो प्रथम चरण का चुनाव 20 अक्टूबर को, द्वितीय चरण का 23 को, तृतीय का 26 को हुआ। उसके बाद से ही जो पंचायत समिति सदस्यों के प्रत्याशी थे और जिला परिषद सदस्यों के प्रत्याशी थे उनको सभी को बाड़ेबंदी रखा गया। बात करें तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनको राजस्थान के अंदर रखा गया, जयपुर और उदयपुर के पास बताया गया है। वहीं जो भाजपा के प्रत्याशी उनको आगरा और यूपी एमपी में बाड़ेबंदी में रखा गया। इसके बाद से जो इनके जो प्रमुख नेता हैं उनको प्रशिक्षण भी बाड़ेबंदी के दौरान दिया जा रहा है कि किस तरह से प्रधान व उप प्रधान के बाद जिला प्रमुख जो उप जिला प्रमुख के चुनाव प्रत्याशियों के लिए आप कैसे मतदान करोगे, किस तरह से इस पूरे प्रशिक्षण जिले के जो प्रमुख जो भाजपा व कांग्रेस नेता है उनको प्रशिक्षण बाड़ेबंदी के दौरान ही दिया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बासवाड़